जय भीम इंडिया में मैं वर्षा गलपांडे आप सबका स्वागत करती हूं। खबर शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूना में आदिवासी समाज ने निकाला मोर्चा। आदिवासी समाज में किसी और समाज को समावेशित ना किए जाए की मांग। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने सरकार के विरोध में लगाए नारे। चंद्रपुर में कांग्रेस नगर सेवकों ने दलित बस्ती में सुधार योजना के निधि में पक्षपात करने का भाजपा पर लगाया आरोप। स्थायी समिति के सभा में किया हंगामा। अब खबरें विस्तार से। आदिवासी समाज में किसी और समाज का समावेश ना हो और आदिवासी आरक्षण को धक्का ना लगे, इस वजह से पुणे में मोर्चे का आयोजन किया गया। पुणे के शनिवारवाड़ा से जिलाधिकारी कार्यालय तक आदिवासी समाज की ओर से मोर्चा निकाला गया। पूना में आदिवासी समाज की ओर से मोर्चा निकाला गया। आदिवासी समाज में किसी और समाज का समावेश ना हो और आदिवासी समाज के आरक्षण को धक्का ना लगाया जाए, इन मांगों को लेकर पूना में ये मोर्चा निकाला गया। पूना के शनिवारवाड़ा से जिलाधिकारी कार्यालय तक ये मोर्चा निकाला गया। पिछले दिनों धनगर समाज द्वारा आदिवासी समाज में समावेशित करने की मांग की जा रही थी। ऐसे में आदिवासी समाज ने अपनी मांगों को लेकर अपना आक्रोश जाहिर किया। इस मोर्चे में कई आदिवासी संगठनाएं भी शामिल थी जिन्होंने अपनी मांगे रखी। याच्यावरती संबंधित जे गुन्हेगारांनी त्याच्यावरती हल्ला केलाय त्यांना तात्काळ अटक झाली पाहिजे या संदर्भामध्ये समाविष्ट करण्यात येऊ नये, जेणेकरून खऱ्या अर्थाने या खऱ्या आदिवासींचं या ठिकाणी आदिवासी मुलांना या ठिकाणी शिक्षणापासून वंचित करण्याचा जो काही सरकारचा डाव आहे याच्या निषेधार्थ आम्ही या ठिकाणी रस्त्यावर उतरलेलो आहोत। बोली भाषा चालीरीती एक दूरान्वय संबंध नाही। आमची या ठिकाणी मागणी आहे की जो आमचा आदिवासी समाज आहे त्या आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला कोणत्याही प्रकारचा धक्का ना लावता दरगडाला त्या ठिकाणी आरक्षण दिलं नाही पाहिजे। आमचं आरक्षण आमच्या अबाधित राहिलं पाहिजे हीच मागणी आहे। शासनाने दरगडांना आरक्षण द्यावं ते कोणत्या आरक्षण तो आम्हाला माहीत नाही, पण तो आदिवासींच्या आरक्षण धक्का ना लावता त्या ठिकाणी आरक्षण देऊ नये हीच मागणी आमच्या या आंदोलनाच्या माध्यमातून आहे। बुलढाणा के स्थानीय जयस्तंभ चौक में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते कीमतों के विरोध में बुलढाणा शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से सरकार विरोधी नारे लगाए गए। फिलहाल अपने इस देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें गगन को छू रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो सहकारी हैं, जब कांग्रेस के शासन में पेट्रोल डीजल की कीमत जो है वो 50 पैसे से भी जब बढ़ती थी तो रास्ते पे उतरते थे, लेकिन आज उन्हीं की सरकार में पेट्रोल डीजल की दाम 50 पैसे नहीं, 5 रुपए नहीं, 10 रुपए नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। आज बुलढाणा शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये आंदोलन यहाँ पे हो रहा है और आने वाले समय में पूरे ज़िले में, पूरे महाराष्ट्र में इसी तरह से इस पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ तीव्र आंदोलन ये किए जाएंगे। डीजल पेट्रोल की दरवाज की महागाईला आमंत्रण देता है। रोज नवीन नवीन उच्चांक पेट्रोल का किमती हाँ वाढ़त है, साधत है, और दूसरीक रोज रोज निच्चांक हा भारता रुपया हा पड़ता है, पेट्रोल का किमती वाढ़त है। ये दलभद्र सरकार आलपासन 800 दिन तो दूर रह मात्र जनसामान्यांचं जीवन जगणं फार मोठ्या मुश्किल करून टाकलं आहे। आम्ही काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं 40 रुपये जो सरसकट टॅक्स आहे हा डिझेलवरचा कमी करावा आणि 48 रुपये पेट्रोलवरचा टॅक्स जो आहे तो कमी करावा ही मागणी करत आहोत। GST 18% दरानुसार यांनी टॅक्सेशन लावावं, 50% टॅक्स न घेता 18% टॅक्स आणावं ही मागणी आम्ही या सदरच्या आंदोलनातून करत आहोत।
महानगरपालिका के सत्ताधिकारी भाजपा पदाधिकारियों ने दलित बस्ती सुधार योजना के निधि वितरण के दौरान पक्षपात करने का आरोप कांग्रेस नगर सेवकों ने लगाते हुए स्थानीय समिति के सभा में हंगामा किया और घोषणाबाजी भी की। नगरोत्थान निधी आणि दलित वस्ती सुधार निधी असे दोन विषय होते, त्यामध्ये आम्ही कालच निवेदन दिलं होतं सभापतींना की नगरोत्थानमध्ये आणि दलित वस्तीमध्ये देगत हुकुमचे 18 कामं आणि विवेकनगर जे दलित वस्तीमध्ये पण तिथल्या काही वस्त्या येत नाही अशाही ठिकाणचे 22 कामं, म्हणजे दोन नगरसेवकांमध्ये आज 3.5 कोटीचा निधी वाटप करण्यात आला। मी मुद्दा उचलला कारण की सभागृहामध्ये मीटिंग सुरू होण्याच्या आधी जे इतिवृत्त मंजूर करायचं असतं त्या इतिवृत्तामध्ये आमचे काँग्रेसचे नगरसेवक प्रशांत दानव यांनी डेंग्यू आणि स्प्रे होत नाही आहे म्हणून असमाधानकारक आणि त्यांच्या मोठ्या आई वारल्या त्याच आजारांनी म्हणून आवाज उठवला, ते सुद्धा नाराज होते। त्यानंतर पाण्याच्या प्रश्नावर राहुल भोटेकर जे सत्तेत आहे आणि प्रदीप दे जे खूप सिनियर नगरसेवक आहे ते सुद्धा खूप ओरडले। त्यानंतर मी विषय असा पकडला की 1.5 वर्ष झालं की सभापती 10 लाखाचं काम करू शकत नाही, ते म्हणाले की तुम्ही नगरसेविका म्हणून मी तुम्हाला डिस्क्वालिफाय करतो आणि लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये कोण किती सक्षम आहे ते तुम्हाला आम्ही दाखवून देऊ। म्हणजे हे स्टँडिंग कमिटीचं सभागृह कुठलं राजकारण करण्यासाठी नाही, आम्ही लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी येतो, त्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं असते। आणि जो दलित वस्तीचा निधी आहे तो समान वाटप केला नाही, दलितांवर अन्याय झाला त्याच्यावर वाचा फोडण्यासाठी आम्ही सभागृहामध्ये प्रश्न उपस्थित केला, त्याचं त्यांनी उत्तर न दिलं म्हणून हे सगळे दलित वस्तीमध्ये राहणारे नागरिक आहे ज्यांच्या तिथे अतिशय खूपच घाण परिस्थिती आहे, तर तो निधी तिथे जर वापरला गेला तर त्या दलित वस्तीचा विकास होईल अशी आमची मागणी होती। पण त्या प्रश्नाचं उत्तर न देता नंतर त्यांनी नगर सचिवांना सांगितलं की संख्याबळाविषय मंजूर करायचे आणि आपण निघून जायचं, म्हणून आम्ही या गोष्टीचा निषेध केला आणि सगळे नागरिक त्यांच्या विरोधामध्ये नारेबाजी केली। भाजपा नेताओं द्वारा बार बार विवादित बयान दिए जा रहे हैं। हाल ही में भाजपा सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने राहुल गांधी के बारे में विवादित बयान दिया, वहीं बीजेपी के विधायक राम कदम ने लड़कियों के बारे में अपनी सोच रखी। इन सभी बातों के विरोध करते हुए कांग्रेस ने निषेध कर आंदोलन किया। अश्विन चौबे तो कराए तो काय, अश्विन चौबे तो कराए तो काय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकारमधले अश्विन चौबे या वाह्यात मंत्र्यानं जे आदरणीय राहुलजी गांधींबद्दल जे वक्तव्य केलेलं आहे त्यातून यांची मनुवाद्यांची किडलेली मानसिकता या ठिकाणी दिसून आलेली आहे। त्यांच्या अशा कृतीमुळे राहुलजींच्या नेतृत्वाला एक टक्काही फरक पडणार नाही, उलट त्यांचं नेतृत्व आता ताऊन सुखावून निघालेलं आहे, झळवून निघालेलं आहे। आणि भारतीय जनता पक्षाने कितीही नामोहरम करायचा प्रयत्न केला तरी काँग्रेसचा कोणताही कार्यकर्ता आता दबायला तयार नाही आहे। त्याचाच कमी राहिलं असेल तर ते काल राम कदमसारख्या त्या एका वाह्यात माणसाने जो स्वतःला सांप्रदायिक वारकरी संप्रदायाचा समजतो, जो स्वतःला एखादा हरिभक्त परायण समजतो, तो सरळ सरळ म्हणतो की तुमच्या घरातल्या पोरी पडून देण्याचीसाठी सुपारी घ्यायचं काम तो राम कदम करतो आहे। अरे त्याच्या रामामधला राम काढून टाकाल त्याला रावण कदम म्हणावं लागणार आहे। जे सीतेचं हरण करण्याचं काम ज्या रावणाने केलेलं आहे ते सीतेचं हरण करण्याचं या आधुनिक काळामधलं जे चॅलेंज ओपनमध्ये बोलणारा या राम कदमचा या CMनी आणि मोदी साहेबांनी याचा तातडीनं राजीनामा घेणं गरजेचं आहे। नुसतं राजीनामा घेणंच नाही तर या सदर याला आपल्या पक्षातून देखील निलंबित केलं पाहिजे। त्यांनी जर त्यांना या दोन्ही मंत्र्यांनी जर कारवाई केली नाही तर आम्ही हे समजणार आहे या देशाची जनता व सर्व हाच मेसेज जाणार आहे की अशा प्रवृत्तीला उलट जास्त चालना देण्याचं काम भारतीय जनता पक्ष करणार आहे, त्याचा काँग्रेस पक्षाचा कोणत्या कार्यकर्ता सहन करणार नाही। राम कदमला आमचं आव्हान आहे, शेगावमध्ये येऊन दाखव, तुला नाही तुला बायांनी बांगड्याचा हेर घातला तर आम्ही देखील आमचं नाव सांगणार नाही। हिंगोली
हिंगोली जिला परिषद के कर्मचारी को महिला जिला पंचायत सदस्य के पति ने फाइल पर मंजूरी करने के लिए गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। इस कारण से सभी जिला परिषद कर्मचारी काम बंद करके निषेध दर्ज किया। इस मामले में पीड़ित कर्मचारी विनोद दगड़े के फरियाद से जिला पंचायत सदस्य के पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मी संतोष बांगर, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन जिल्हा शाखा हिंगोली जिल्हाध्यक्ष। काल 5 सप्टेंबर रोजी आमच्या शिक्षण जिल्हा परिषदे अंतर्गत असलेल्या शिक्षण विभागातील कर्मचारी श्री विनोद दंडगे यांना जिल्हा परिषद सदस्यांचे पती यांनी दमदाटी करून शिवीगाळ करून त्यांची जी संचिका आहे हट्टा येथील शाळेच्या बांधकामाची त्याच्यामधील पृष्ठांकन फाडून त्यांना अशी टिपणी का टाकली अशी दमदाटी केलेली। जिल्हा परिषदेमध्ये कर्मचाऱ्याने काम करायचे म्हणजे नेमके करायचे काय, पदाधिकाऱ्याचे ऐकायचे का शासन निर्णयाप्रमाणे काम करायचे, या दुजोऱ्यामध्ये असलेल्या कर्मचाऱ्याने जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांच्याद्वारे होणाऱ्या अशा अन्यायाला किती वेळ सहन करायचं या कारणास्तव जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनमार्फत आज आम्ही जाहीर निषेध नोंदवला आणि जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनच्या सर्व पदाधिकाऱ्यासह संबंधितांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याची कारवाई करण्यात आलेली आणि भविष्यात असा कोणताही पदाधिकाऱ्याच्या जे याला बळी न पडता आम्ही प्रतिकार करत राहणार। आम्ही कोणत्याही दबावाखाली काम करणार नाही ही मी आणि माझ्या संघटनेच्या वतीने सर्व कर्मचाऱ्याच्या वतीने ग्वाही देतो। मी विनोद दंडगे, गणेश सहायक लेखा, शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद हिंगोली। काल दिनांक 5/9/2018 रोजी सायंकाळी 5 वाजता माननीय सो चव्हाण मॅडम यां जिल्हा परिषद सदस्य यांचे पती प्रभाकर चव्हाण हे काल ऑफिसमध्ये आले, आमच्या कार्यालयात शिक्षण विभागामध्ये आले। त्यांनी प्रशाला हट्टा बांधकामाबाबतची फाईलीचं विचारणा केली तर त्यांना मी सांगितलं सदरील फाईल ही माझ्याकडून मी टिपणी अभिप्राय टाकून वयसाहेबाची अभिप्राय घेऊन माननीय शिक्षण अधिकारी यांच्या टेबलावर ठेवलेली आहे पुढील निर्णयासाठी। काल आमचे शिक्षण अधिकारी साहेब हे पुण्याला बैठक असल्यामुळे ते पुण्याला निघालेले होते। शिक्षण अधिकारी साहेब ऑफिसला काल लवकरच निघून गेले होते ऑफिसमधून, तर ते आल्यानंतर ते म्हटले मला फाईल पाहायची। मी त्यांना म्हटलं फाईल तर दाखवता येणार नाही, पुढील निर्णयासाठी ठेवली, तुम्हाला कळेलच नाही म्हणे, मला बघायचीच म्हणे अशी दमदाटी करून थोडेसे गेले कॅबिनमध्ये शिक्षण अधिकारी साहेबांच्या, त्यांच्यासोबत मी बी गेलो, त्यांना फाईल वगैरे पाहिली, त्यांनी वाचली, वाचल्यानंतर मला त्यांनी थोडं म्हणते अशी टिपणी का टाकली, तशी का टाकली, त्यांच्या मनाप्रमाणे काऊन नाही टाकली अशी दमदाटी करू लागले होते सदरील। मग फाईलीची ती टिपणी मी लिहिलेली काढली, वयसाहेबाची सही झालेली होती त्यावर, काढून फाडली, फाडून त्यांनी ते कागद खिशात टाकून निघून गेले आणि जाताना मला सांगून गेले की तुला नोकरी करायची असं एका दमदाटी। प्रेरणा शिक्षक प्रसारण मंडल नांदेड़ की ओर से आंबेडकर नगर के चंद्रमणि प्राथमिक विद्यालय में संस्थाध्यापक किशन राव बने, इनकी हाथों से विद्यार्थियों को शालेय साहित्य का वितरण किया। मुख्य अध्यापक शंकर कामले इनकी अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में एसडीएम संदीप मगरे अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र और शिक्षक शिक्षिका बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रेरणा शिक्षण प्रसारक मंडल के अध्यक्ष नाते यहाँ आज के शिक्षक दिन के लिए आया हूँ और यह हमारे चंद्रमणि स्कूल मोस्टली स्लम एरिया में है, सब उधर के लोगों की बस्ती में है और स्लम एरिया में स्कूल चलना बहुत कठिन है। यहाँ के जो शिक्षक वर्ग जो है बहुत कड़ी मेहनत लेता है। मैं हर साल यहाँ स्कूल में आता हूँ, कोई फंक्शन रखा है, 15 अगस्त को भी इस साल आया था मैं, तो बड़े धूमधाम से 15 अगस्त या सभी जनवरी अच्छा तरह से करते हैं। तो ये स्कूल मैं समझता हूँ कि ये स्कूल बहुत प्रगति करेगा, मेरा पूरा साथ उनके साथ है। और अगर शिक्षक लोगों ने और कुछ सुझाव दिया स्कूल के लिए, स्कूल की शिक्षा बढ़ाने के लिए, विद्यार्थी की सुविधा बढ़ाने के लिए और कुछ सहायता अगर मांगते हैं तो मैं देने को तैयार हूँ और यही मैं यहाँ के शिक्षक लोगों को
मुख्य अध्यापक लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कड़ी से कड़ी मेहनत, यह स्लम एरिया से स्कूल चलाना, वहाँ के विद्यार्थी तैयार करना, अच्छी तरह से तैयार करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये अवसर पर, ये दिन पर सबको मैं शुभेच्छा देने वाला हूँ। और ये जो शिक्षक दिन मनाया जाता है, पूरे देश में मनाया जाता है, शिक्षक जो है बड़ी एकता से, बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाता है, उनकी जिंदगी बनाता है। जो भी स्कूल है, हमारा जो स्कूल है स्लम एरिया में स्कूल है, ऐसे एरिया में हम जो मजदूर करने वाले जो पालक है, माँ बाप है, उनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे माँ बाप को अपने बच्चों को पर ध्यान देने के लिए अवसर नहीं मिलता है, तो भी हम बड़ी मेहनत से ऐसे बच्चों को, हम बहुत ही मेहनत लेते हैं, उनको अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, उनको जो भी कठिनाई आती है उनके बारे में हम सब उनको दे देते हैं। और जो भी माँ बाप है ये बच्चों के, उनको कुछ मिलता नहीं है, देता देने के लिए उनको, उनके पास समय मिलता नहीं है, पैसे नहीं रहते। और ऐसे वक्त हम ऐसे बच्चों को, सभी बच्चों को हम मदद करते हैं हमारी ओर से। बस इतना ही बोल के मैं ये शिक्षक दिन अवसर पर सभी देश के सभी शिक्षक, सभी मेरे भाई बहनों को, मित्रों को बधाई देता हूँ। और मेरे दो शब्द समाप्त। भाजपा विधायक राम कदम ने महिलाओं के बारे में दिया बयान, अब उनके गले की हड्डी बन गया है। राज्य भर में इस बयान की कड़ी निंदा की जा रही है। वाशिम में राष्ट्रवादी कांग्रेस महिला अघाड़ी की ओर से कदम पर कार्रवाई की मांग की गई और जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया। भाजपा के विधायक राम कदम द्वारा महिलाओं के बारे में बोला गया बयान विवादों का विषय बन गया है। भाजपा नेता राम कदम ने दही हांडी कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के बारे में विवादित बयान दिया, जिसके बाद विरोधी पक्ष की ओर से राम कदम का विरोध किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं की ओर से भी राम कदम की कड़ी निंदा की जा रही है। वाशिम में राष्ट्रवादी कांग्रेस महिला अघाड़ी की ओर से विधायक राम कदम, इनके इस वक्तव्य पर कार्रवाई की मांग की गई और जिलाधिकारी को निवेदन भी दिया गया। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए समाज के प्रचार प्रसार करने प्रकाश घोटे ने किया मंगलूर पीर कलम्बा बोखड़े केंद्र के शिक्षकों की ओर से केंद्र प्रमुख पद से सेवानिवृत्त होने पर प्रकाश घोटे का सत्कार वाशिम जिला परिषद अध्यक्ष हर्षदा ताई देशमुख ने किया। इस दौरान गट शिक्षणाधिकारी विस्तार अधिकारी सहित केंद्र प्रमुख उपस्थित थे। प्रकाश सुखदेव धोटे केंद्र प्रमुख कलम्बा बोल, मैं 31 अगस्त को रिटायर हो गया, लेकिन दिल से रिटायर नहीं हो गया। इसके बाद मैं सोशल वर्क और एजुकेशन वर्क मैं ताकत से ज़्यादा कर सकता हूँ। मेरी उम्मीद है कि हर बच्चा जो पिछले वर्ग का है तो आगे आना चाहिए। अपने तो अपना रेशो जो है एजुकेशन का, वाशिम जिला बहुत पीछे है, लेकिन इसके लिए मैं आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके कार्य की एक अनुज्ञप्ति है। मैं उन्हें भावी जीवन के लिए बधाई देता हूँ और साथ ही प्रशासन की वजह से उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अच्छे से काम किया और काम के प्रति जो लगन है, ये लगन अपने जाने के बाद जो अपना परिवार है जो पीछे छूटा है उनमें काफ़ी हद तक संभालने में उन्हें मदद मिलेंगी। मैं उनके भावी जीवन के लिए शुभकामना देता हूँ। मेरा प्रणाम। मैं गटर शिक्षण अधिकारी बीओ मैडम, हमारे केंद्र से जो केंद्र प्रमुख आज रिटायर हो गए तो उनका निरोप समारंभ और शैक्षणिक परिषद का आयोजन यहाँ पर किया था। ये प्रोग्राम के लिए ये सब केंद्र के लोग यहाँ पर हाजिर है जो इन्होंने सेवा की यहाँ पर, ये सेवे का उनको फल मिला है। कैसा, मैं जहाँ से 2 साल से आई तो इनको देखी, उनका कार्य देखा,
उनका लगन से ईमानदारी से काम करना, ये गुण मैंने इनमें पाया है और सब लोगों को साथ में लेके चलने की इनकी आदत है। और जो उनका शैक्षणिक कार्य है वो बहुत यानी ईमानदारी से उन्होंने किया, उसकी पावती आज यहाँ सबके सामने उनको मिली है। हर व्यक्ति उनको सत्कार करने के लिए यहाँ आया था और उनके प्रति दो शब्द बोलने के लिए सब लोग बोल रहे थे। इनसे ऐसा दिखता कि इनका कार्य बहुत अच्छा तरह से उन्होंने अपना कर्तव्य यहाँ पर निभाया है, ईमानदारी से उन्होंने अपना काम किया है और लोगों के साथ उन्होंने बहुत स्नेह रखा और माहौल भी जैसा सामाजिक कार्य की भी उनको आदत है। ये जो इनके गुण है ये सब गुण और लोगों को इन्होंने दिए और उनके प्रति उनको उसका फल भी मिला है और आगे की इनकी जो जीवन यात्रा है, आगे का इनका जो आयुष्य है, उसके लिए मैं उनको हार्दिक दिल से शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर चरणी ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि पति पत्नी दोनों भी स्वस्थ रहे और आगे के सब मनीषा इच्छा मनोकामना उनकी। पिछले 8 सालों से राज्य में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर राज्य सरकार ने रोक लगाई है, जिसे तत्काल हटाकर शिक्षक भर्ती की जाए, इसलिए डीएड बीएड धारकों ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बुलडाना जिला परिषद के सामने नारे लगाते हुए मुख्याधिकारी और शिक्षण अधिकारी को निवेदन दिया। आज दिनांक 5 सप्टेंबर रोजी आम्ही सर्व आमच्या संघटनेच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष असतील यांना निवेदन देण्यासाठी इथं जमलेलो आहोत। गेल्या 8 वर्षापासून आम शिक्षक भरतीची प्रक्रिया ही बंद झालेली असून ती तात्काळ चालू करण्यात यावी व अन्य काही मुद्दे आमच्या सहकाऱ्यांना ते मांडलेच आहेत, परंतु शासनाने याकडे कुठल्याही प्रकारचं आतापर्यंत लक्ष दिलेलं नाही। नसून आमचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हा आहे, आज 5 सप्टेंबर रोज असून शिक्षक भरती दिन असून सुद्धा आम्हाला जर का आमच्या मागण्यासाठी जर आंदोलन करण्याची वेळ येत असेल तर ही एक लाजिरवाणी गोष्ट आहे आणि ही ह्या गोष्टीची दखल घेऊन शासनाने तत्काळ आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्या, अन्यथा आम्ही लोकशाही मार्गाने रस्त्यावर उतरू। जो देशाचं भविष्य घडवणारा शिक्षक आहे तो रस्त्यावर जेव्हा येतो तेव्हा देश बिघडवू शकतो याची शासनाने दखल घ्यायची आहे। माननीय मुख्यमंत्री असतील, माननीय विनोद तावडे असतील यांना आमची एक विनंती आहे की त्यांनी आमच्या मागण्याचा विचार करावा, अन्यथा आम्ही लोकशाही मार्गाने रस्त्यावर उतरू। व माझ्या तमाम जिल्हावासियांना, जिल्ह्यातील डीएडबीएड धारकांना एक आग्रहाची विनंती आहे की सर्वांनी एकत्र येऊन हा लढ्यास आम्हाला पाठिंबा द्यावा, जेणेकरून आपला हक्क हा आपण पूर्ण करू शकतो।